Hello, my dear students. Today I will continue the chapter The Rise of Nationalism in Europe, and today's topic is the revolutionaries. Last video mein hum log padhe the the new conservatism after 1815, yani 1815 mein jab battle of Waterloo mein Napoleon ko hara diya gaya tha, tab fir se France mein kya kiya gaya tha ki jo bhi Napoleon ne changes kiye the administration sector mein, form of government mein, wo sare undo kar diye gaye the, aur fir se monarchical system jo hai वो वापस आ गया था. लाइक फ्रांस में लुइस फिलिप जो है बार्बन फैमिली के, उन्हें फिर से राजा बनाया गया था. ये सारे चेंजेस हुआ था न्यू कंजर्वेटिज्म के द्वारा. तो द रेवोल्यूशनरीज क्या क्या है, तो यही सारे चेंजेस जब कंजर्वेटिज्म के द्वारा हो रहा था, तो जो भी लिबरल नेशनलिस्ट थे उन्हें ये सारे अच्छा नहीं लगा था. ये जो मोनार्कियल सिस्टम है वो फिर से वापस आ गया था, ये उन्हें अच्छा नहीं लगा था. और बहुत सारे ऐसे लिबरल नेशनलिस्ट थे जिन्हें क्या किया जा रहा था, जिन्हें जेल में डाला जा रहा था, अरेस्ट किया जा रहा था, जिनके ऊपर जो है टॉर्चर हो रहा था, तो वो सारे अंडरग्राउंड हो गए थे. तो उसी के साथ साथ उन्होंने वो जो लिबरल नेशनलिस्ट थे जिन्हें ये जो कंजर्वेटिज्म है वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो क्या कर रहे थे वो लोग, सीक्रेट सोसाइटीज़ जो है वो फॉर्म कर रहे थे. और ये सीक्रेट सोसाइटीज़ क्यों फॉर्म कर रहे थे, बिकॉज देयर एम वाज टू फाइट फॉर द लिबर्टी एंड इक्वालिटी. यानी वो लोग फिर से जो है लोगों के लिए, कॉमन पीपल के लिबर्टी और इक्वालिटी को वापस लाना चाहते थे. दैट्स वाई वो लोग जो है सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म कर रहे थे. और उसी के साथ साथ वो लोग चाहते थे कि मोनार्कियल सिस्टम जो है वो एबॉलिश हो जाए और नेशन स्टेट का जो आइडिया है वो फिर से स्प्रेड करे. और इसी में ही क्या हुआ था कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था एक इटालियन रेवोल्यूशनरीज ने, उन जिनका नाम था गिउसेप्पी मेज़िनी. तो उन्होंने क्या किया था, बहुत ही छोटे एज में, बस 24 इयर्स के एज में उन्होंने एक कार्बनरी जो एक सीक्रेट ऐसा सोसाइटी था उसका मेंबर बने थे. फिर बाद में अपने जो लिबरल नेशनलिस्ट के जो भी आइडियाज़ है उसको स्प्रेड करने के लिए उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप ऐसे दो सीक्रेट सोसाइटी का फाउंड किया था. और उसी के साथ साथ हमें ये पता चला है कि ये जो यंग यूरोप जो सीक्रेट सोसाइटी है ये उन्होंने बर्न में फाउंड किया था इन द ईयर ऑफ 1833. और यही सब जब हो रहा था तो कॉमन पीपल इन्फ्लुएंस्ड हो रहा था. और जिसलिए क्या किया गया था, जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया का जो ड्यूक थे, तो उन्होंने ऑस्ट्रिया का जो ड्यूक थे जिसका नाम था जो है ड्यूक मेटर्निक, उन्होंने जो मेज़िनी है उनके लिए एक कोटेशन बोला था, दैट इज़ ही वाज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द कंजर्वेटिव सोशल ऑर्डर. तो मेज़िनी के लिए जो है वो मेटर्निक ने बोला था ही वाज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द कंजर्वेटिव सोशल ऑर्डर, क्योंकि वो फिर से लोगों को इंस्पायर कर रहे थे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ के साथ साथ और कंजर्वेटिव आइडियाज़ को जो है अपोज कर रहे थे. सो दीज आर द थिंकिंग ऑफ रेवोल्यूशनरीज, और जिसमें मेज़िनी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.